सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं फास्टैग के बारे में कि आज से फास्टैग अनिवार्य हो गया है, केवल हाइब्रिड लेन में रहेगी 15 फरवरी तक राहत। सरकार ने फास्टैग की डेडलाइन को लेकर वाहन मालिकों को थोड़ी राहत दी है। अब देशभर में सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग की डेडलाइन 15 फरवरी 2021 तक बढ़ गई है। इससे पहले नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से कहा गया था कि 1 जनवरी से कैश टोल कलेक्शन बंद हो जाएगा, लेकिन अब इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा की हाइब्रिड लेन में 15 फरवरी तक फास्टैग या नगद माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा। मंत्रालय ने कहा है कि टोल प्लाजा की फास्टैग लेन में केवल फास्टैग के माध्यम से ही भुगतान स्वीकार किया जाएगा। अब तक आवंटित किए गए हैं 2.2 करोड़ से ज़्यादा फास्टैग। फास्टैग को 1 दिसंबर 2017 के बाद से नए चार पहिया वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन के समय ही अनिवार्य कर दिया गया था। इस पूरे फैसलों को लागू करने के लिए गवर्नमेंट ने केंद्रीय मोटर वाहन एक्ट 1989 में संशोधन किया था। अब तक 2.2 करोड़ से ज़्यादा फास्टैग आवंटित किए गए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोविड-19 के कारण लोग कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। फास्टैग से टोल कलेक्शन बढ़ा। 24 दिसंबर को पूरे देशभर में फास्टैग का बम्पर ट्रांजैक्शन हुआ। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने बताया कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन NETC प्रोग्राम के तहत यह पहली बार था जब एक दिन में फास्टैग से 80 करोड़ रुपये से ज़्यादा का टोल कलेक्शन हुआ। 24 दिसंबर 2020 को एक दिन में 50 लाख से ज़्यादा का फास्टैग ट्रांजैक्शन हुआ। अब हम आपको बताएं कि आप कहां से फास्टैग को ख़रीद सकते हैं। तो NHAI के अकॉर्डिंग फास्टैग ई कॉमर्स साइट अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और पेटीएम पर अवेलेबल है। बैंक और पेट्रोल पंप से भी फास्टैग को ख़रीदा जा सकता है। बैंक से फास्टैग लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि जिस बैंक में आपका खाता हो उसी से फास्टैग ख़रीदें। अब हम आपको बताते हैं कि आपको फास्टैग कितने रुपए में मिलेगा। NHAI के अनुसार आप फास्टैग को किसी भी बैंक से 200 रुपए में ख़रीद सकते हैं। फास्टैग को आप कम से कम 100 रुपए से रिचार्ज करवा सकते हैं। सरकार ने बैंक और पेमेंट वॉलेट से रिचार्ज पर अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगाने की छूट दी हुई है, क्योंकि फास्टैग के बारे में इन्फॉर्मेशन काफ़ी टाइम से आ रही है, इसीलिए हमने आपको इसके बारे में बताया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव, सजेशन देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।